अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट वन चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आर्टिकल 2.4 टॉर्क को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क को डिफाइन करते हैं कि टॉर्क है क्या। जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, उसे टॉर्क कहते हैं। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस बात का क्या मतलब, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इस डायग्राम में आपको एक डोर नजर आ रहा है, इस डोर के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो डोर जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि एक सर्कल के अंदर आपको मूव करता हुआ जो दिखाई देगा, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। यानी आप यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स क्या होगा, ये जो डोर है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा यानी टर्न करेगा। तो यही जो इसका फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब एक सिंपलर डायग्राम जो है वो कंसिडर करते हैं, जिसमें एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर ये पॉइंट ए के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और जो पॉइंट ओ है उसे पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब कि पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, सपोज करें ये रॉड जो है यहाँ पे आपने एक होल किया और इसको एक नट के जरिए एक वाल में हैंग कर दिया, तो अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये वाला जो रॉड है इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। यानी इस तरह से ये रोटेट कर सकता है इस फोर्स की वजह से। तो इसी वजह से इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन, या इसे सम टाइम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या जो पिवट पॉइंट है वो ए की बात होगी। ओके, अब इस पिवट पॉइंट से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है उसका जो पोजिशन वैक्टर है उसे आर से डिनोट किया। तो जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल देखना तो दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और पॉइंट ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट, जिसको हमने आर से डिनोट किया है। और जो दूसरा वैक्टर है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। और अगर मैं इसी आर को एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हमने ये कहा हुआ है कि वो थीटा है। तो अब टॉर्क को जो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, जो टॉर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, इस पोजीशन वेक्टर आर का और फोर्स का जो कि इस बॉडी पे एक्ट कर रही है। अब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर उसको ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आती है, यानी आर एफ साइन थीटा इंटू एनी यूनिट वेक्टर, वेयर आर क्या चीज है, आर इसका मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म क्या होगा, यानी आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके दरमियान, बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जो एफ है ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ यानी पोजिशन वैक्टर और फोर्स के दरमियान। और ये जो n यूनिट वेक्टर है ये इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देता है, यानी r और f की, यानी ये टॉर्क की डायरेक्शन देगा। अगर आपको याद हो तो कल हमने सीखा था कल के लेक्चर में कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी यानी इस केस में जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस n यूनिट वेक्टर से आएगी। फिर हमने ये भी सीखा था कि इस n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से किस तरह से फाइंड करते हैं। हम अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकेंड वैक्टर इन शॉर्टर एंगल, और जो हमारा इरेक्ट थंब होता है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, वो हमें इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देता है, यानी इस केस में हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये इसके हमने रिलेशन को एक्सप्लेन किया कि जो टॉर्क है उसका रिलेशन हमारे पास किस तरह से आता है, और इसमें ये जो हमारे पास पैरामीटर हैं ये कौन कौन से पैरामीटर हैं। अब यहाँ पे हमने बता भी दिया, अब एक बात आप और सीख लें कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो आर है, जो आर वेक्टर है यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये वाला जो आर आर है ये मोमेंट आर्म है, जिसकी डेफिनेशन आपने मैट्रिक में भी सीखी थी। अब आपकी बुक ने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, और पोजिशन वैक्टर और फोर्स दोनों को कंपोनेंट में रिजोल्व करके जो टॉर्क का रिलेशन है उसको फाइंड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है जिस पे ये जो ओ पॉइंट है इसको मैंने पिवट पॉइंट बोला है। अभी हमने बात भी की थी कि जो पिवट पॉइंट है वो क्या होता है, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन ही है। इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पी है जिस पे इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अब
हम इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट उसको ड्रा करते हैं जिसको हमने आर का नेम दे दिया है। अब अगर हमने टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क किस वजह से होता है, इस फोर्स की वजह से। अब हम देखते हैं कि फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो टॉर्क होगा। तो इसके लिए मैं फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ड्रा करता हूँ। कंपोनेंट ड्रा करने के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, मैं इसी लाइन को जो है वो एक्सटेंड करता हूँ। इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे कि ये एफ कॉस थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा है। अब ये कंपोनेंट जो है वो किस तरह से आए, यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बिटवीन आर एंड एफ वो क्या है, थीटा है। और ये कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान 90 है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा को डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ये किसके इक्वल आती है, एफ साइन थीटा के। और अगर इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा को डिफाइन करेंगे तो ये वाली जो साइड है एडजेसेंट साइड जो है इसको ये एफ कॉस थीटा के इक्वल आते हैं। यहाँ पे मैं एफ साइन थीटा की वैल्यू आपको निकाल के बता भी देता हूँ कि इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा को डिफाइन करें तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब एफ कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस ये वाली चीज है, थीटा और ये जो परपेंडिकुलर जहां पे एंगल बन रहा है ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। तो फिर बेस जो है वो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और हाइपोटेन्यूस की जो मैग्नीट्यूड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ को, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो ये एफ कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप इसी ट्राइंगल में साइन थीटा को डिफाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी एफ साइन थीटा। तो ये लाइन एफ साइन थीटा की इक्वल आएगी। अब यहाँ पे हम देखें कि हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, और टॉर्क क्या है, वो टर्निंग इफेक्ट है किसका, फोर्स का। अब देखते हैं कि इस फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं आपको जो नजर आ रहे हैं, ये एफ साइन थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो F cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो रोटेशन में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और जो सारे का सारा टर्निंग इफेक्ट होगा यानी टॉर्क होगा वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कि F sin थीटा है। तो अब अगर हमने टॉर्क को डिफाइन करना है तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास पोजिशन वैक्टर आर उसकी मैग्नीट्यूड यानी मोमेंट आर्म जिसको आर से डिनोट किया है, और फोर्स का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आता है यानी जिसकी वजह से रोटेशन आती है, और वो कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी टॉर्क इसके इक्वल आ गया है आर एफ साइन थीटा। और ये रिलेशन जो है ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिखा है। अब ये तो था, हमने फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। इक्विवेलेंटली या अल्टरनेटिवली हम पोजीशन वेक्टर आर को भी इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर वहां से हम ये देख सकते हैं कि आर के किस कंपोनेंट की वजह से टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में मैंने जो आर है उसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो रिजॉल्व किया है। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए किया क्या है, ये फोर्स का वैक्टर था, यहाँ पे भी हमने देखा इसी का एक इक्विवेलेंट वेक्टर को उठा के हमने जो आर हमारा पोजीशन वेक्टर है उसकी टेल पे रखा है, फिर इस पोजीशन वेक्टर आर का यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है किस पे, ये जो फोर्स का इक्विवेलेंट वेक्टर था इसके ऊपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के फिर दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट उसका ये और दूसरा उसका कंपोनेंट ये, और ये कंपोनेंट भी कौन से होंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो एंगल कितना बन रहा है 90। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से कि जो पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान एंगल था वो कितना था, वो तो थीटा था। तो यहाँ पे भी फिर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो थीटा होगा। अब यहाँ पे इसी ट्राइंगल में आप साइन थीटा को डिफाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये पोजीशन वेक्टर का जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर साइड जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और थीटा और जो 90 है उसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसके दरमियान वाली
वो बेस होती है, और जो रिमेनिंग साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस। तो ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। तो हमने परपेंडिकुलर साइड यानी ये साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर फिर किसके इक्वल आ जाएगा? बेस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आएगा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? वो तो आर है, तो वो आर को रिप्रेजेंट करिए, आर के मैग्नीट्यूड को। तो फिर हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी? आर साइन थीटा के। सिमिलरली आप इसी ट्राइंगल के अंदर डिफाइन करें कॉस थीटा को, तो आपके पास ये वाली जो साइड है बेस वो आर कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब इस रिलेशन में हमने सीखा कि हम पोजिशन वैक्टर को भी उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें कि जो टार्क में यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकता है वो कौन सा कंपोनेंट है। पहले आर कॉस थीटा की बात करते हैं। अब आर कॉस थीटा जो है इसकी ये जो लाइन है ये इस पिवट पॉइंट से पास कर रही है, तो ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा टर्निंग इफेक्ट के अंदर। और टर्निंग इफेक्ट जो है वो किस वजह से हो सकता है? ये आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट यानी इस पे फोर्स लगे तो ये बॉडी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, टर्न कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्निंग इफेक्ट आता है वो इस कंपोनेंट की वजह से आता है आर साइन थीटा, और जो फोर्स है इस केस में हम उसकी मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, उसको कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व नहीं किया। या आपकी बुक की सेकंड डायग्राम है जिसपे लिखा होगा कि अल्टरनेटिवली वी कैन रिजॉल्व द पोजीशन वेक्टर आर इनटू इट्स कंपोनेंट। अब इस डायग्राम से अगर हम टार की डेफिनेशन निकाल लें तो वो फिर क्या होगी कि आर साइन थीटा की वजह से वो कंपोनेंट है पोजिशन वैक्टर का जिसकी वजह से जो टार प्रोड्यूस होता है, और साथ में हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई जो कि आइडेंटिकल है इस इक्वेशन से जो कि अभी हमने इस डायग्राम से जो है वो सीखी थी, फर्स्ट डायग्राम से आर एफ साइन थीटा के। तो अब ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर था, अगर हम इसको वैक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन कुछ इस तरह से, जो टार्क है वो आर क्रॉस एफ यानी पोजिशन वैक्टर आर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको ओपन करें तो हमारे पास आएगा आर एफ साइन थीटा, वेयर आर एफ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, एंड एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अभी हमने सीखी भी थी लास्ट स्लाइड पे कि किस तरह से हम ये वाली डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करेंगे। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि जो टॉर्क होता है वो हमारे पास क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब टॉर्क से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी बुक के इसी आर्टिकल के एंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें बताए गए हैं कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने स्कूल फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे या फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है? वो एम ए के इक्वल होती है, न्यूटन थर्ड लॉ से। यही जो फोर्स है ये क्या चीज डिटरमिन करती है? एक्सेलरेशन। और ये वाला लॉ जो है वो हमने लीनियर मोशन के लिए पढ़े थे यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो जिस तरह से फोर्स जो है वो डिटरमिन करती है लीनियर एक्सेलरेशन, यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, और वही जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो फोर्स लीनियर मोशन के अंदर फोर्स क्या डिटरमिन करती है? लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे टॉर्क एक्ट करे तो टॉर्क जो है वो क्या चीज डिटरमिन करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसके लिए हमारे पास टॉर्क का एक और फार्मूला है जिसको हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे भी कि टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होता है? आई इंटू अल्फा। अब आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो अल्फा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है तो उसमें उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आप यूं समझ लें कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका एंगल जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ जो है वो चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो उस केस के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है उसे क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जो चेंज जब टॉर्क एक्ट करेगा तो बॉडी रोटेट करेगी, बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी, वही जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिस तरह से फोर्स ने लीनियर एक्सेलरेशन डिटरमिन करती है बिल्कुल इसी तरह से जो टॉर्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमिन करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो टॉर्क है
ये एनालॉगस क्वांटिटी है टू द फोर्स इन लीनियर मोशन, यानी जो लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स प्ले करती है एंगुलर मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर, वही रोल जो है वो कौन प्ले करता है, वो टॉर्क प्ले करता है। इस बात का ये मतलब है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें कि अगर तो कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो हमने ये पढ़ा था कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या आती है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो इस रिलेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या आती है, जीरो। सिमिलरली अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में हो या मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करिए या बॉडी रेस्ट में है, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रेस्ट में, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फिर उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर आप यहाँ इसकी वैल्यू जो है इस रिलेशन टॉर्क में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको जरा हम स्टेट करते हैं। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी बॉडी रेस्ट पे या फिर वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो दोनों केस के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब एंगुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बॉडी रेस्ट में या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो यहाँ पे हमने देखा उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर यहाँ से हमने सीखा कि जो टॉर्क होगा जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो जीरो होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्क्राइब करेंगे।